हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है, ये पेपर है आपका PSSB का, पंजाब से रिलेटेड पेपर है ये, पंजाब का लैबोरेटरी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 10 तारीख को, 10 जून 2023 को। लैबोरेटरी टेक्नीशियन का पेपर ये है। तो इस पेपर के अंदर फर्स्ट 250 क्वेश्चन जो हैं वो आपको पंजाबी लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से, जो पार्ट बी। तो यहाँ पर इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों में आपको ये पेपर अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पर इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ATP क्या है? ATP एक न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इन अ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। एमिटोसिस अकर्स कहाँ होते हैं? सम ऑफ द कार्टिलोजिनेसिस सेल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, फोटो 51 रिलेटेड टू DNA स्ट्रक्चर वॉज कैप्चर्ड बाय, सो दिस वॉज कैप्चर्ड बाय ऑप्शन डी रोसलिंड फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन, HIV एडवर्सेस टू CD4 रिसेप्टर सेल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें आपसे पूछा है, जंपिंग जीन्स वर डिस्कवर्ड बाय, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द बाराबरा मैक क्लिंगटॉक। ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर 56 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, मूवमेंट ऑफ WBC to the site of infection by changing their shape is known as, this is known as the diapetis। option number c yahan par kya hoga, correct answer। viral infected body cell releases certain protein that induced other cell to produce substances that inhibit viral replication, such protein are known as, these protein are known as the इंटरफेरॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नॉन हिस्टोन आर मेड अप ऑफ, दीज आर मेड अप ऑफ द ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मतलब दोनों के लिए होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल प्रोड्यूसेस सोनली बाय द पार्थिनोजेनेसिस, सो कौन सा एनिमल है, वो है रॉक लेजर्ड। ऑप्शन नंबर ई यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA एंड rRNA अकर्स इन डिप्लोटीन। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जेनेटिक रिकम्बिनेशन विच मे लीड टू वेरिएशन अकर्स इन द माइटोसिस। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, DNA रिप्लिकेशन इज अ बाई डायरेक्शनल इन बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, तो इसमें आपसे पूछा गया है, डाउन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले, ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में आपसे पूछा गया है, 285 RNA एंड 185 rRNA आर डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ, दीज आर द डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ द 455 sRNA।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कैटलाइज एंजाइम आर प्रेजेंट इन, दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन गैलेक्सी जोम। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोफिलामेंट्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 90+0 अरेंजमेंट इज अ फीचर, दिस इज एन फीचर ऑफ सेंट्रियोल्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो इक्वल होता है 180 ग्राम्स के, ठीक है, वन मोल ऑफ ग्लूकोज जो है 180 ग्राम्स के बराबर होता है। ग्लाइकोलिसिस इज कंप्राइजेस ऑफ, दिस इज कंप्राइजेस ऑफ एट एंड क्रेब्स साइकल्स ऑफ 8 स्टेप्स, 9 and 8। ऑप्शन नंबर 8 ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, 9 and 8 steps। 71 नंबर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। ऑप्शन नंबर क्रेब्स साइकिल बेसिकली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, दिस इज 72 नंबर क्वेश्चन, इन विच सटल सिस्टम ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस हैपन इन ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है इन माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल सेलुलर डबल हेलिकल DNA जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। सेल डेथ रिफर्स टू द डेथ सेल या सेल डेथ रिफर्स टू द एपोपोटोसिस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। एंटीबायोटिक इरिथ्रोमाइसिन ब्लॉक प्रोटीन सिंथेसाइजेस, दिस विल सिंथेसाइज द नॉट अलाउ 70S राइबोसोम सब यूनिट टू बाइंड टुगेदर। ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। निमेटोसाइट इन हाइड्रा आर फॉर्म्ड बाय, दिस इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडीज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है प्रोटीन सिंथेसिस इज अ मेजर फंक्शन ऑफ, दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ द RER। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। द ड्रग एस्पिरिन इज मेनली एब्जॉर्ब्ड बाय, दिस इज मेनली एब्जॉर्ब बाय द पिनोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय द मूवमेंट ऑफ, दिस इज मेंटेन्ड बाय द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सोल्यूशन विद सच अ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन दैट गेन वाटर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो हाइपरटोनिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एनी इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफ्यूज्ड इन ब्लड शुड बी, दिस शुड बी आइसोटोनिक टू साइटोप्लाज्म ऑफ RBC। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, तो यहाँ पर है 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन इज अ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक टू मेंटेन मेमेलियन RBC। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। 83 की बात करते हैं, तो कैरियर प्रोटीन विच एड इन फैसिलिटेट डिफ्यूजन आर क्लासीफाइड एज, दिस इज क्लासीफाइड एज द परमिएसिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, ड्यूरिंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकर्स अक्रॉस मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन। 84 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा इज द फ्लक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85। सो 85 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ग्रास स्टेम बिकम्स इरेक्टेड ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन द सेल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। गैप जंक्शन इज अ फीचर ऑफ, गैप जंक्शन जो है वो किसका फीचर है, दिस इज द फीचर ऑफ द
कार्डियक टिश्यू एंड द एनिमल एम्ब्रायो बोथ का रहेगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच सेल ऑर्गेनल हैज़ अ मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। लिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन आर एम्फीबैटिक एज दे कंटेन्स हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, तो यहाँ पर पूछा है यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, दिस वाज प्रपोज्ड बाय द रिजॉल्व रोबर्स्टन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जैकॉब डिजीज इज कॉज्ड बाय, दिस इज कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इफ आर एन ए ट्रांसक्राइब्स डी एन ए देन दिस इज नोन एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच आई वी इज अ आर एन ए डी एन ए वायरस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इफ वायरस इंटीग्रेट्स विद द बैक्टीरियल जीनोम एंड लिविंग अलोंग द टाइप ऑफ साइकिल इज, दिस इज द टाइप ऑफ साइकिल इज लाइसोजेनिक साइकिल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन, नर्व फाइबर्स इज अ, नर्व फाइबर जो है वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, साइक्लिक ए एम पी क्या होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ रेगुलेटरी केमिकल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे किस तरीके से डिफाइंड होते हैं, दिस इज डिफाइंड एज द प्रोफेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रीडेटर फीड्स ऑन कैपिटल वाइल प्रे फीड्स ऑन इनकम वॉज स्टेटेड बाय द एल्टन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हु वर अवॉर्डेड नोबल प्राइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, सो ये अवार्ड मिला था मिलिस्टन एंड कोलर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, द टर्म इकोलॉजी वॉज क्वाइंड बॉय, इकोलॉजी का जो टर्म है ये क्वाइंड किया गया था टांसले के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द रिलेशनशिप बिटवीन द पायलट फिश एंड शार्क इज कैटेगराइज्ड एज कमेंसलिज्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है द वॉलनट ट्री जुगलन रिजिया प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग इन इट्स विसिनिटी, दिस रिफर्स टू द अमेंसलिज्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच कैन चेंज इट्स पोजिशन विद इन द जीनोम इज कॉल्ड एज अ दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। कैरेटिन ऑफ हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में बात करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेजन वॉज इलुसिडेटेड बाय, दिस वॉज इलुसिडेटेड बाय द रामचंद्रन एंड गोपीनाथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ ग्लूटीन इज अ, ग्लूटीन के सोर्सेज क्या होते हैं, ये होते हैं वीट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टीरॉइड्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, वो है आपका थेरेट्रीहोलेज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज, केमिकल फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेस टॉक्सिसिटी इफ टेकन इन लार्ज अमाउंट. सो 109 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए डी ई के, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. स्ट्रीप थ्रोट इज कॉज्ड बाय, 110 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकोकस पॉलीजेंस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, इसमें आपसे पूछा गया है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूजफुल फॉर, दिस इज यूजफुल फॉर द थ्री डायमेंशनल एक्सटर्नल व्यू. द मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट यूज फॉर वाटर मीथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. पास्चर इफेक्ट इज अ, पास्चर इज इफेक्ट जो है वो किसके लिए होता है, ये होता है आपका स्टॉपेज ऑफ फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. 114 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है क्लोवर लीफ ऑफ मॉडल मॉडल ऑफ टीआरएनए वाज प्रपोज्ड बाय, सो दिस वाज प्रपोज्ड बाय द हॉले, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. फिलेंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सीक्वेंस इन डीएनए आर दीज आर द सिमिलर बट अपोजिट सीक्वेंस इन टू स्ट्रैंड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. 115 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है की इज एन एंजाइम काइनेटिक इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 117 लेगहेमोग्लोबिन, ये क्या चीज़ होती है, ये होती है आपकी ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. कॉग्रेशन इज अ, कॉग्रेशन क्या होता है, कॉग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग ऑफ क्रोमोजोम ऑन स्पिंडल. कॉज प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ऑप्शन नंबर सी. रेड डाटा इज प्रिपेयर्ड बाय द रेड डाटा बुक, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द IUCN, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस वाले पार्ट के अंदर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम GS के क्वेश्चंस को स्पेशली अटेंड करेंगे, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, इन इंडिया द पावर टू ग्रांट सिटीजन लाइक इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो ये पावर आपकी लाई करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. विंग्स ऑफ फायर, ये ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा है हु इज द फादर, सॉरी हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव जनपथ अवार्ड, जनपथ अवार्ड, तो ये वुमेन कौन सी हैं, ये हैं 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर बी. व्हेन वाज द पंजाब एंड पेप्सू मर्ज, पंजाब एंड पेप्सू जब मर्ज हुई ये कब हुई थी, ये हुई थी 1956 के अंदर, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. विच इज़ दी ओनली मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, दैट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओलंपिक चार्टर, सो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फिर ओके तो ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हैविंग शोन एक्सेम्पलरी करेज ऑफ हैविंग डन एक्सेम्पलरी वर्क इन द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो यहाँ पर जो 127 है इसका करेक्ट आंसर होगा अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. हाउ मेनी ब्रिटिश मेंबर्स वर देयर इन द साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन के अंदर 3 लोग थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं तो विच स्टेट अनाउंसेस टू गिव मंथली अलाउंसेस टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सो ये 129 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी. विच अमंग द फॉलोइंग अमंग द बिलो मैंशनड ऑप्शन स्टेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग टाइम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
दिस टाइम इज द जून टू जुलाई, 130 का करेक्ट आंसर होगा जून, जुलाई टू जून, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बाकी 130 हो गए, इसके बाद जो है क्वेश्चंस आपके ये रीजनिंग वगैरह के हैं कुछ क्वेश्चंस, और बाकी फिर आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो दिस वाज द पेपर जो कि आपका था किसका, PSSB का लैब टेक्नीशियन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।